हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप बांग्लादेश में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत डिमांड है इंडिया की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दोस्तों। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में दोस्तों फेस मास्क हो गया, वाइटनिंग क्रीम हो गया दोस्तों, सन प्रोटेक्शन क्रीम हो गया जिसका SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। पर्सनल हाइजीनिक चीज ये है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। बॉडी डायपर है, ड्यूडरेंट है, फेशियल क्लीनर है दोस्तों, हेयर शैम्पू है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बांग्लादेश के बारे में मैं नॉलेज देता हूँ दोस्तों। कोलकाता से बांग्लादेश इजीली आप बाय रोड भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है दोस्तों ढाका। करेंसी दोस्तों टका, और दोस्तों बंगाली लैंग्वेज है, दोनों तरफ लैंग्वेज सेम है दोस्तों, इसलिए इजी होता है डील फाइनलाइज करना। कॉलिंग कोड है 880 जो दोस्तों ये कंट्री कॉलिंग, ये तो हमारा कंट्री कोड है 880। वहाँ बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, कमर्शियल सिटीज़ हैं, वहाँ के अगर मैं आपको कॉलिंग कोड भी बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ जाके डील फाइनलाइज कर सकते हैं। ये चिटगांव 31, ढाका जो वहाँ की कैपिटल है वो है 2 उसका कॉलिंग कोड। बारिसल्स कॉलिंग कोड है 431 और रंगपुर कॉलिंग कोड है 521 दोस्तों। सी पोर्ट से भी आप अपना सामान भेज सकते हैं, बाय रोड बेटर रहता है, लेकिन सी पोर्ट से भी आप भेज सकते हैं। चिटगांव सी पोर्ट है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों, मोंगला सी पोर्ट है। बाय एयर भी आप भेज सकते हैं अपने सामान को, शाह अमानत उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ढाका न्यू मार्केट्स है, वहाँ पे आप अपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड है और बोले अलग, आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मिल जाएंगे कि इंडियन कॉस्मेटिक की वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट करिए। मैंने कैटेगरी आपको बता दी है कॉस्मेटिक की, और दैट्स इट। आप कम पैसा लगाएं, बिजनेस करें, आपके पास प्रॉफिट आए री इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस दोबारा लगाएं और धीरे 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 ग्रो करें। नेबरिंग कंट्री में देखिए दोस्तों, बांग्लादेश चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, इसलिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और स्टार्टअप भी वहाँ से कर सकते हैं, आपको इजीली दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से सामान भेजा आप बांग्लादेश पहले पहुँच जाएँ तो दोनों तरफ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि आप भेजेंगे और वहाँ रिसीव भी करेंगे, तो और आपने बिजनेस जिसके साथ डील किया है उसको आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सी अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए, पुराने वीडियो जरूर देखिए। 190 कंट्री के बारे में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज दे रखी है। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।